हे hey, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। दोस्तों ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास उन लोगों के लिए जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से 10वीं कक्षा के या 12वीं कक्षा के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे और उनके मार्क्स जितना उन्होंने सोचा था ये उससे कम आए या उससे बहुत बहुत कम आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रोसेस और होता है जो आपको शायद पता होगा, रीचेक वेरिफिकेशन के लिए। तो आप क्लेम कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ को रीचेक कराने के लिए। उसका क्या प्रोसेस है तो आज आप देखते रहिए इस वीडियो को। मैं इस वीडियो में यही सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि उसका क्या प्रोसेस है और कितने चार्जेस आपको पे करने होते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे बिल्कुल इसी तरीके का लाल बटन होगा, चाहिए जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑन कर दीजिएगा उस नोटिफिकेशन बेल को भी, ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट और अमेजिंग वीडियो सबसे पहले। दोस्तों बताने वाला हूँ, जैसे कि अभी आपका रिजल्ट आ गया, अभी हमारी टीम आपके लिए क्या क्या काम करके देने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो व्यूअर्स हमारे चैनल को देखते रहते हैं उन्हें पता होगा कि हमारी टीम आपको एडमिशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ होती हैं वो सारी की सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। कोर्स सिलेक्शन यानी कि 12वीं के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए या फिर क्या कोर्स करना आपके लिए बेटर होगा, वेदर इट इज़ अ प्रोफेशनल और रेगुलर कोर्सेज, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी जॉब उसके रिलेटेड वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिलती हैं। साथ के साथ इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, जाइए जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के लाल बटन पर जाकर के, यहाँ पर आपको सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ मिलेंगी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ रीचेक वेरीफिकेशन की, ये होता कब है एक्चुअल में, इसकी ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ी, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब भी अब पेपर दे करके आते हैं तो वहां पे अपने मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं और वहां पे एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपके मार्क्स लगभग इतने परसेंटेज आने चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेट करने में, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसके मार्क्स को कैलकुलेट करने में कई बार दिक्कत हो जाती है, या फिर जो हमारे चेकर होते हैं यानी कि जो एग्ज़ाम जो हमने चेक किया है उनके पास क्या है कि उन्होंने आंसर को प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया होता है, और कई बार इसी तरीके के कुछ और भी रीज़न हो जाते हैं जिसके कारण परसेंटेज नहीं आ पाती, जितना आपने सोचा होता उतने मार्क्स नहीं आते। तो CBSE के अंदर इसी तरीके का एक प्रावधान है जिसके थ्रू आप अपने रिजल्ट को दोबारा से रीचेक करवा सकते हैं अपनी एग्ज़ाम कॉपी को, और चाहें तो उसकी फ़ोटो कॉपी भी ले सकते हैं अपने ईमेल के ऊपर। तो दोस्तों क्या है इसका प्रोसीजर, लेकर चलता हूँ आपको पूरी वेरिफिकेशन के लिए। CBSE बोर्ड की एग्ज़ाम की साइट के ऊपर आपको जाना है, मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप जाकर के इजीली क्लेम कर सकें या फिर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, नोट के तौर पर 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के कैंडिडेट अप्लाई फॉर द वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स विल, यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं, और सारी की सारी कॉपी आप अगर इवेलुएट करना चाह रहे हैं तो कितना चार्जेस लगेगा आपको, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th, यहाँ से आप कर सकते हैं, क्लास 10th के लिए करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो कितनी पेमेंट है तो